हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और फर्स्ट क्लास हो गई हूँ मैं रेडी। और अभी बज रहा है सुबह का 9। तो अभी हम लोग को जाना है तारकेश्वर, जो मैं कभी नहीं गई हूँ लाइफ में, कभी भी नहीं गई हूँ। फर्स्ट टाइम है ये मेरा। सब कोई आए हुए हैं तो जा रहे सभी कोई। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, बस ऊपर आई थी वीडियो का स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए निकलती हूँ, फिर इस वीडियो करती हूँ कंटिन्यू। जो भी होता है, मतलब फर्स्ट टाइम तो मेरा भी है, जो भी मेरे साथ होता है, जो भी मतलब अगर अच्छा होता है दिखाने को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस आप लोग ऐसे ही बने रहो। तो यहाँ फाइनली मैंने ट्रेन ले लिया है और हम लोग निकल चुके हैं तारकेश्वर मंदिर जाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम है मेरा तारकेश्वर मंदिर। ये बात मैं अब सच में मानने लगी हूँ। पहले भी मानती थी कि कोई भी भगवान के धाम, मतलब कहीं भी धाम पर आप जाओ ना, जब तक आपका बुलावा नहीं आता आप जा नहीं सकते। ये बिल्कुल सच है। मैं बचपन से यहाँ कोलकाता में हूँ, बट तारकेश्वर कभी भी नहीं गई थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिश्ता कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मंदिर? कौन सा मंदिर? पापा से पूछो, पापा वो चिकली से पूछो। तारकेश्वर जा रहे हैं। और सबको बोल दो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी बहुत खुश है, वो घूमने जा रही है। तो यहाँ देख लीजिए, और ये सब जो भी मतलब वीडियो है ना, ये आर्यन के पापा शूट कर रहे हैं। और इतना ठंड लग रहा है ना भाई साहब ट्रेन में। एक तो जंगला मतलब पूरा खुला, और हवा और कुहासा भी वैसे ही था, मतलब धूप का तो कोई नामो निशान नहीं था। बट जो भी हो, एक खुशी भी हो रहा था कि बस वहाँ पहुँचना है, मुझे देखना है कि कैसा है कैसा नहीं है। जैसा भी जो भी होगा, मैं जितना भी आप लोगों को दिखा पाऊँगी पूरा शेयर करूँगी, और बताऊँगी भी वहाँ जो भी मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कुछ भी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। हम लोग तारकेश्वर स्टेशन पे उतर चुके हैं। मुझे लगा 2-2.5 घंटे लगेगा, बट आधा से 1 घंटा ही लगा। तो आ चुके हैं स्टेशन पे। और ऋषिका, और ऋषिका के पापा देखिए आगे हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। फर्स्ट टाइम हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आर्यन के पापा को पता है, बट बार बार नहीं पूछ सकते ना। चलिए जो भी है मैं दिखाती हूँ आप लोग को। पूजा करके निकल रहे लोग और हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं यार, अच्छा लगता है। देख लीजिए, तो यहाँ भी अचार वगैरह मिल रहा है। मंदिर कहाँ है भाई साहब? उधर जा रहा है। मंदिर किस साइड है? अंदर जा रहे हैं मंदिर के। चलिए चलते हैं यार, यहाँ प्रसाद वगैरह सभी कुछ मिल रहा है। और यहाँ बगल में गंगा जी भी हैं, देख सकते हैं। बारिश आ रहा है, वो माँ अब कितना ठंडा होगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग चप्पल वगैरह रखने के लिए। प्रसाद को कैसे रखा हुआ है बताइए? और यही प्रसाद चढ़ेगा? देख लीजिए यार, बारिश हो रहा, मतलब बारिश भी आज ही होना था, और ठंड कितना बढ़ेगा। काफी अच्छा लग रहा है। एक चीज अच्छा खराब लगता है की जगह पे ना, मतलब आते आके एक चीज खराब लगता है ना, यहाँ पे पंडित जी लोग जो है ना, वो लोग ना ज्यादा ये करने लगते हैं यार, इतना का है। जो लोग न्यू है उन्हें समझ में नहीं आएगा, और वो दे भी देते हैं। आर्यन के पापा 2 बार आए हुए हैं तो उन्हें पता है, वो बार्गेनिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, पूजा पाठ है, हम लोग खुद से ही दे देंगे, बट इतना ज़्यादा भी लेने का क्या ही ज़रूरत है। तो पीछे देख सकते हैं आर्यन के पापा बात कर रहे हैं, देखते हैं कितना में होता है कितना में नहीं। और 1:30 बजे मंदिर भी बंद हो जाएगा, तो अभी 12 बज रहा है, लोग दर्शन कर लेंगे। और बारिश हो रहा है तो ठंड और ज़्यादा ही बढ़ रहा है। मैंने जैकेट वगैरह भी नहीं लिया, मैं सोची उतना ठंड नहीं लगेगा, शॉल से चल जाएगा। बट ठीक है, चलिए चलते हैं, पूजा वगैरह जाते हैं मंदिर में। अगर मंदिर में तो अलाउड नहीं होगा, जो भी दिखा पाती हूँ मैं दिखाती हूँ। धाम में होता है ना हर जगह दुकान वगैरह, मतलब टोटल चीज़ मिलना, सेम यहाँ भी वही है, देख सकते हैं। भैया हैं जो हम लोग को लेके जा रहे हैं। 151 का प्रसाद था और 101 का था, जो कि हम लोगों ने 101 का ही लिया है।
तो कैसे क्या है बता देंगे, और दुकान वगैरह दिखा दिए हैं आर्यन के पापा, बोले दुकान भी दिखा दो, मैं बोली दिखा दूँ। तो चलिए भीड़ है, मैं जैसा होता है वीडियो को करती हूँ। तो यहाँ पे हो रहे हैं, हाँ हाँ बंद कर रहे हैं। आप एक ले लीजिए ना, मेरा हो जाएगा। ये मंदिर है देख सकते हैं अंदर में, यार एकदम अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, बस एक मोमबत्ती जल रहा है। तो चलिए अंदर में वीडियो नहीं बना सकते जाके, इसलिए बाहर से मैं दिखा दे रही हूँ। तो पूजा वगैरह हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। जो मतलब हमको लग रहा है कांवड़ वाले लोग आते हैं, हमको लग रहा है यहीं पे नहा के जाते होंगे। आर्यन के पापा तो बोल रहे हैं यहीं पे जाते हैं क्योंकि यही घाटी है, और उस साइड से भी होगा। तो फाइनली पूजा वगैरह हम लोग का हो चुका है, तो चलिए चलते हैं, कुछ खाएंगे या फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो मंदिर से निकल के ना आ गए थे यहाँ पे अचार लेने के लिए। मेरे को बहुत मन कर रहा था जो मिर्च का दिख रहा है ना वो लेने का, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि प्राइस हमको लग रहा था ना बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था, क्योंकि आर्यन के पापा ना बड़ा बाजार जाते हैं तो वहाँ से ला देते हैं, तो मुझे यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा लगा इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तो मैं उनको बोली छोड़ दीजिए, अब जब बड़ा बाजार जाइएगा तो ला लीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए ऋषिका को चाहिए खिलौना, ये लड़की तो और है, सिटी लेना है चाहे कुछ भी लेना है तो उसे पिंक कलर का ही चाहिए, पर पिंक कलर का इनके पास था नहीं, तो लास्ट में किसी तरह उसको बुझा बुझा के जो कलर मतलब था वो अवेलेबल वही हम लोग दिलवाएं। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, सभी को लगा भूख, देखते हैं क्या है क्या नहीं खाएंगे। पूजा करने के बाद सभी को आ गए हैं खाने के लिए, देख सकते हैं गर्म गर्म चौक। देवघर भी गए थे तो ऐसे ही मिल रहा था, चलिए अंदर जाते हैं खाते हैं। स्टेशन पे आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग का टैलेंट, हाँ क्या बात है, गुड। ऋषिका क्या कर रही थी, वो दीदी क्या कर रही थी, वो दीदी क्या कर रही थी, उलट रही थी ना, तुमको भी आता है, तुम भी करो। तो चलिए देखते हैं हम लोग का ट्रेन कब आएगा, फिर जाएंगे। करो 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 जल्दी, ऋषिका खरीदी अपने लिए, हाँ हाँ लड़की से कुछ नहीं होने वाला है, देखिए देखे चंट वही। ट्रेन भी आ गया है देख सकते हैं, चलिए चले जाते हैं, चलो उधर चलो, चले गए, चलो चलो चलो। देखिए हम लोग का तारकेश्वर से ट्रेन खुल चुका है और बारिश भी आना चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिए तारकेश्वर स्टेशन, अच्छा लगा मंदिर में, बस एक ही चीज़ खराब लगा कि यहाँ का लोग मतलब है ना बहुत ठग रहे यार, बहुत ठग रहे। अगर लोग न्यू है ना तो उन्हें ठग ही लेंगे वो, अच्छा था कि संग में आर्यन के पापा थे तो वो संभाल लिए। तो चलिए यहाँ से जाने में हम लोग अपने घर में, तो लिलवा जाने में मतलब हावड़ा ही वो पकड़ लीजिए, ये 1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए अब हम लोग हैं पहुंचने वाले हैं, और मौसम के बारे में क्या बोलो यार, बहुत सुहाना मौसम किया है, इसमें मन कर रहा ना कि गरम गरम चाय और पकौड़ा मिल जाता तो क्या ही कहने, बट चाय मिल जाएगा ये तो पता है, पकौड़ा का नहीं बता सकती क्योंकि जाऊंगी घर पे अगर कुछ नहीं रहेगा, बोलूँगी आर्यन के पापा को तो बोलेंगे रहने दो जो ही है वही मुझे बना के दे दो। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ देख लीजिए स्टेशन पर उतर के सबको झालमुड़ी खाना है, तो यहाँ पर लेते हैं
और चलिए घर जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। काफ़ी थक गए हैं, घर पे जाके काम भी होगा, खाना भी बनाना, बहुत काम है बहुत ज़्यादा। वहाँ से आ गई थी 3:30 बजे ही आ गई थी, रूम में थी, चाय वगैरह बनाना था, आर्यन के पापा को पीना था तो सबको बना के दी, क्योंकि गांव से जो लोग आए थे वो लोग भी गए थे ना मेरे संग। सब कंफर्टेबल नहीं होता है ना वीडियो बनाने, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता क्योंकि गांव के भैया लोग भी थे तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो आर्यन के पापा देखिए आए, उसके बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं मैं दिखा रही हूँ। ये हम लोग का जो पूजा रूम बना था, अब ये कलर हो रहा है तो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें हम लोग का ना भगवान रूम हो जाएगा। और ये रहे ना रहेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या कर रही है यहाँ पे बता दीजिए, मैं कलर कर रहा हूँ। तो कलर करूंगी, इसमें पानी है जो मैं डाल रहा हूँ उसमें। उसमें डालना जरूरी है? हाँ डालना, पानी पड़ेगा उसमें। पानी से बनता है, बनता है, लेकिन पानी से बनता है। क्या बनता है? पेंटिंग। पेंटिंग? हाँ। बोलने भी नहीं आ रहा पेंटिंग। देखिए हाँ, बाद मिलाते हैं। ओ, फिर कलर करते हैं। बोले 22 तारीख का तैयारी है। राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगन, गाना गाओ। राम आएंगे तो क्या करोगे, अंगना सजाएंगे? मैं तो पटाखा छोड़ने वाला हूँ। हाँ, मैं भी तो दिया जलाऊंगी। दिया? अरे यार इसका बकबक खत्म नहीं होगा। चलिए हाँ हाँ ठीक। फाइनली चलिए अभी सब आए, सबका खाना वाना बनाना होगा, टाइम लग जाएगा। मैं हूँ और ऋषिका की मम्मी, हम लोग मिलके ही कर लेते हैं क्योंकि अकेले होता नहीं है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पेंट। और तारकेश्वर मंदिर मुझे बहुत पसंद आया, वैसे ही मैंने वीडियो में बता ही दिया तो फिर बता के कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। तो इस वीडियो का यहीं पेंट करती हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।